अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है योगी, पीएम मोदी का सपा पर निशाना। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनसभा को संबोधित करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छठे चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब सातवें चरण में इंडिया वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से बाहर जाकर गिरता है। पीएम मोदी ने कहा, समाजवादी पार्टी का वो जंगल राज जिसमें बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, सरकार की जमीन पर भी माफियाओं ने महल बना ली थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा, 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। अमृतकाल का संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, 140 करोड़ सपने। 4 जून को देश एक नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा, इसलिए करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। आपका उत्साह एक बात कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार और फिर एक बार 400 पार। पाकिस्तान में इंडिया गठबंधन के लिए मांगी जा रही दुआ। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहाँ सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर हमला। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडी जमात कह रही है, हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लाएंगे, ये शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने वाले कानून CAA को रद्द करेंगे, यही तो भारत विरोधी ताकतें भी चाहती हैं, फिर इंडी वाले यही क्यों चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के शासन में यूपी के किसानों का बहुत नुकसान हुआ, अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गई, किसानों ने गन्ने की खेती करना बंद कर दिया था। हमारी सरकार सपा के ये गड्ढे भी भर रही है।